जी तनवीर भाई, क्या कहना चाहेंगे? ये आज हम लोग यहाँ पे सो क्वार्टर में हैं और बड़ा एक दर्दनाक वाक्य आज पेश आया है। ये मेरे साथ बच्ची के वालिद खड़े हैं यहाँ पे। तो इनकी बच्ची 12 साल की इनकी बेटी है और इसके साथ जो है इन्होंने ये हादसा पेश आया। कल शाम को घर वाले गए थे कहीं बाहर, तो बच्ची के साथ जो है इन्होंने गलत हरकत की है। गलत हरकत करने के बाद अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने बच्ची के साथ जो है उसका कत्ल भी कर दिया। एक तो कत्ल और ऊपर से उसके साथ नाजेबा हरकत भी की गई है। जो मेडिकल की रिपोर्ट आ चुकी है इस वक्त, मेरे ख्याल में अभी आ चुकी है, मुझे बताया था जो मेरी SHO से बात हुई थी, उसने मुझे बताया था। और इसके अलावा आज से 2 दिन पहले इसी इलाके के अंदर 2-3 गलियां पहले एक घर के अंदर जो है वो वाकया पेश आया। गैस भर जाने की वजह से 5वीं मैयत अभी फ़ोन आया, वहाँ पे 5वीं अभी लेडीज़ की भी मैयत हो चुकी है। मैं कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर कुरंगी, आपको तो ख़ास तौर पे डूब के मर जाना चाहिए। इतना दर्दनाक वाक़या एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप केस होता है और कोई भी यहाँ पे बड़ा आदमी, कोई मिनिस्टर, कोई सिंध हुकूमत, सबसे पहले तो सिंध हुकूमत के ऊपर आए ना, उनको तो बेशर्मों को डूब के मर जाना चाहिए। वैसे भी डूबे हुए और डूब के ही मर जाना, कोई पूछने तक नहीं आया अब तक। कोई MPA नहीं आया, कोई MNA नहीं आया, सिर्फ यहाँ पे MKM के MPA गुलाम जिलानी साहब आए हैं, जिनका ये इलाका नहीं था, वो फिर भी आए यहाँ पे दादरसी करने के लिए। उनके अलावा कोई पूछने के लिए नहीं आया, सरकारी पार्टी से कोई नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी साहब, आप जो है एक बच्ची पैदा हुई वहाँ, उनको 500 रुपये आज एक बच्चा 500 रुपये खा लेता है, तो शर्म आनी चाहिए आपको। 500 रुपये दे देने वहाँ पहुँच गए, लेकिन 5 मैयत वहाँ पे अभी तक हो चुकी है और ये 6ठी मैयत है। सबसे दर्दनाक ये इस वक्त सो क्वार्टर के अंदर गम और गुस्सा है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब के मर जाना चाहिए, बल्कि आपको रहना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसी जगहें थी जहाँ पे गम के अंदर इंसान को पहले आना चाहिए। खुशियाँ तो बाद की होती हैं, खुशियों में तो 2-3-4-10 दिन बाद लेट भी चला जाए तो कोई बात नहीं होती, लेकिन किसी के गम में जाकर खड़े होना ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाप से पूछो, उनकी पूरी फैमिली से पूछो, जिनकी पूरी फैमिली जल गई, झुलस गई। वहाँ पे कोई नहीं गया, बॉन वार्ड में कोई नहीं गया, उनके घर पे कोई नहीं आया। कल भी मैं यहीं पे था। Yeah.